वेलकम टू लर्निंग लोकस। आज के इस सेशन में हम सब प्रोनाउन और टाइप ऑफ प्रोनाउन को लर्न करने वाले हैं। टाइप ऑफ प्रोनाउन आपको याद हो जाएंगे और साथ में ही हमेशा याद रखने के लिए कोड भी बताएंगे। साथ में ही इस पूरी अवधि के दौरान आप बहुत सारी बातें लर्न करेंगे जो डायरेक्टली कॉमन एरर्स में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हुए प्रोनाउन, सबसे पहले प्रोनाउन के डेफिनेशन की बात करते हैं। तो प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है। जिस वर्ड का प्रयोग नाउन के बदले में करते हैं वे वह वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे। एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल ये सब हैं: ही, हिमसेल्फ, बोथ, एनीवन, व्हाट, हु, दिस, समबडी, नन। आप इस सेशन के अंत में आप खुद ही पहचान पाएंगे कि कौन सा वर्ड किस तरह का प्रोनाउन है। इसलिए यह सब प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। डेफिनेटली प्रोनाउन कब बनेंगे? जब किसी नाउन की जगह पे इनका प्रयोग करेंगे तब प्रोनाउन बन जाएंगे, राइट? दिस इज डेफिनेशन। और एग्जाम्पल में सेंटेंस में अगर देखते हैं तो एक सेंटेंस है, वीना अराइव लेट, वीना देर से पहुंचे। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम करते हैं, वीना हैड अ हेडेक, तो फिर वीना नाम रिपीट हो रहा है जो कि सही नहीं लग रहा है, वियर्ड लग रहा है, अजीब लग रहा है। तो क्या होगा? वीना की जगह पे सी वर्ड आएगा। तो वीना नाउन की जगह पे जो सी वर्ड आया है, नाउन के बदले जो आया है, इस सी को कहेंगे प्रोनाउन, और यही डेफिनेशन है। सो दिस इज प्रोनाउन का जो डेफिनेशन हो गया, कंप्लीट कर लिया हमने। अब टाइप्स की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में नंबर ऑफ टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हम लोग पूरे 10 टाइप्स को लर्न करेंगे। सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन, सबके बारे में अलग अलग से लर्न करने वाला है, यह लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। फिर होगा पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव चाहे पोजेसिव कुछ भी पढ़िए, पजेसिव प्रोनाउन हिंदी लिखा है। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर डी से आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और फिर आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, और लास्ट आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये पूरे 10 हैं। लास्ट में आपको इन 10ों को याद रखने का कोड बताएंगे। तो शुरू करते हुए सबका बारी बारी से हम लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस में देखिए, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज करते हैं, हम प्लेस करते हैं, रखते हैं जिन प्रोनाउंस को सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे, वे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। बहुत क्लियर है, अभी आगे और समझ में आएगा। तो जो सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन होता है वह नोमिनेटिव केस में, नोमिनेटिव केस को आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, में यूज होता है। और जो ऑब्जेक्ट पे होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो एक तरह से कहें कि जो प्रोनाउन नोमिनेटिव केस वाले और ऑब्जेक्टिव केस वाले हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, यह भी सही है। अच्छा है, जिन प्रोनाउंस का प्रयोग हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोनाउंस आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, सेकेंड में यू है, और थर्ड में ही, शी, इट, दे है। इन सब का ऑब्जेक्टिव केस आप देख रहे हैं, आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और दे का देम होता है। तो अगर नोमिनेटिव केस वाला है तो यह सब्जेक्ट में यूज होता है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस वाला है ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। और जब इनका प्रयोग हम करते हैं सेंटेंस में तो ये कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। यही है पर्सनल प्रोनाउंस मेनली। तो ध्यान रखिएगा, जिन प्रोनाउंस का प्रयोग हम सब्जेक्ट की जगह पर तथा ऑब्जेक्ट की जगह पर करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वे, और सब्जेक्ट जब करते हैं तो वो प्रोनाउन नोमिनेटिव केस में होते हैं, और ऑब्जेक्ट जब होते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। जैसे पुष्पा लिव्स इन द यूएसए, यहाँ पे पुष्पा एक नाउन है, इसके बदले में हम प्रोनाउन डाल रहे हैं शी, तो यहाँ पे सी जो आ गया नोमिनेटिव केस में तो यह एक पर्सनल प्रोनाउन हो गया। फिर ऐसे ही आई शो रीना स्टरडे, रीना एक नाउन है, इसके बदले में हर डाल दिया हमने प्रोनाउन, और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि हर चाहे रीना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन पर आया है इसलिए ऑब्जेक्टिव केस है।
तो शी भी पर्सनल प्रोनाउन और हर भी पर्सनल प्रोनाउन, ये यहाँ भी देख रहे हैं, सी का हर दोनों पर्सनल प्रोनाउन, तो एक हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा आएगा पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसका प्रयोग हम पजेशन मतलब अधिकार या रिलेशनशिप संबंध दिखाने के लिए करते हैं। किसी वस्तु के साथ हम अपना अधिकार या संबंध दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नाम ही है पजेसिव, अधिकारवाचक हिंदी में भी है, तो अधिकार दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो भी पजेसिव केस में प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। जिस तरह से आपने पीछे के स्लाइड में पढ़ा कि नॉमिनेटिव केस वाला, ऑब्जेक्टिव केस वाला पर्सनल प्रोनाउंस में आता है, वैसे ही पॉजिटिव केस वाला इसमें आता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे जो ग्रीन में है पॉजिटिव केस बना हुआ है सबका, माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स, केवल माइन को छोड़कर बाकी सबके अंत में एस है। पॉजिटिव केस में जितने हैं ये सब हैं पजेसिव प्रोनाउंस, और इनकी सहायता से ही हम किसी वस्तु के साथ अपना अधिकार या संबंध को दिखाते हैं। दिस इज कैथरीन, यह कैथरीन है, कैथरीन एक लड़की का नाम है। शी इज कजन ऑफ माइन, वह मेरी कजन है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाया हमने माइन वर्ड के साथ, आप देख रहे हैं माइन पजेसिव प्रोनाउन है। हुज जैकेट इज दिस, यहाँ पे जैकेट के बदले में दिस इज, जैकेट किसका है पूछा जा रहा है, तो दिस इज हीज, यहाँ पे ये पोजेशन दिखाया जा रहा है हीज की सहायता से, आप देख रहे हैं हीज पोजेसिव केस है, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से पोजेसिव प्रोनाउन से हम अधिकार या संबंध को दिखाते हैं। दो प्रोनाउन हमने खत्म कर लिया, एक हो गया पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, एवरी, इधर, नीदर और नॉन, मेनली पांच प्रोनाउंस हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ईच, एवरी, इधर, नीदर, नॉन। इनका प्रयोग मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। साथ में ही सेंटेंस में देखेंगे तो ईच ऑफ द बॉयज गेट द अवार्ड, यहाँ पे ईच ऑफ जानते हैं सिंगुलर होता है, ईच ऑफ द बॉयज यहाँ पे गेट्स द अवार्ड, ये हो गया। दूसरा ईदर ऑफ द बॉयज विंस द रेस, ये भी हो गया। नीदर ऑफ द गर्ल्स वॉन्ट्स टू प्ले, ईच ऑफ देम अटेंड्स द मीटिंग। तो इस तरह से आपको ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नॉन, इनको ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउंस हैं। और आप बाद में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के टाइप्स के बारे में, तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि ईच, एवरी, इधर, नीदर, नन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह भी होता है। तो वहाँ पे इस स्लाइड को रखूँगा, यह स्लाइड भी आपको दिखाऊँगा और उसका स्लाइड भी दिखाऊँगा, तब पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ईच, एवरी, इधर, नीदर और नन है। तो हमने कंप्लीट कर लिया तीन, पहला था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा था पजेसिव प्रोनाउन और तीसरा आपके सामने है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे समक्ष। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से मेनली फोर वर्ड्स हैं। एक तो आप पढ़ते हैं बचपन में दिस दैट, कोई पास की वस्तु है तो कहते हैं दिस इज बुक, दिस इज अ बुक, और दूर है तो दैट इज अ बुक करते हैं। दिस का प्लूरल होता है दिज और दैट का दोज। सो ये सब दिस दैट दिज दोज, ये जो फोर वर्ड्स हैं ये फोर वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव में आपने देखा फाइव वर्ड्स मेन थे, ऐसे ही फोर वर्ड्स होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। सेंटेंस में अगर यूज करेंगे तो दिस इज द बॉय हु इज वेरी लेबोरियस, यहाँ पे दिस वर्ड आ गया है, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट बॉय हु इज रनिंग अ रेस इज वेरी डिसिप्लिन, यहाँ पे दैट हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अंडरलाइन भी कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने चार कंप्लीट कर लिया, पर्सनल, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब संबंधवाचक। इसमें क्या होता है कि इस प्रोनाउन का प्रयोग उस नाउन के पहले, इस प्रोनाउन का प्रयोग पहले आए नाउन के बारे में बताने के लिए होता है। जो प्रोनाउन होता है जैसे यहाँ पे हु है,
तो हु इसके पहले जो नाउन आया है इससे संबंध जोड़ने के लिए होता है। विच आया हुआ है तो यहाँ बैग है नाउन, इसे संबंध जोड़ने के लिए होता है। संबंधवाचक है तो संबंध जोड़ता है, किसके साथ संबंध जोड़ता है, तो जो इस संबंधवाचक वर्ड के पहले नाउन होता है उसका संबंध सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ता है। जैसे दिस इज द बॉय एक पार्ट हो गया, और फिर हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग ये दूसरा पार्ट हो गया, तो हु जो वर्ड है दूसरे पार्ट के बीच कड़ी का काम कर रहा है। हम इसे क्लॉज में पढ़ेंगे, सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं इसको, हु वाला विच वाला पार्ट को। यहाँ पे हु और विच जो वर्ड्स हैं ये अपने पहले एंड नाउन का संबंध सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और हु विच अभी याद रखें, इसमें हम क्लोज में विस्तार से पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो हु विच का पोर्शन होता है यह सबॉर्डिनेट क्लोज होता है। तो इस तरह से हमने रिलेटिव प्रोनाउंस जो होता है क्लोज से स्टार्ट होता है, बता ही दिया सबॉर्डिनेट क्लोज का पोर्शन होता है। इस तरह से हमने पूरे 5 कंप्लीट कर लिए हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव और फिर डेमोन्स्ट्रेटिव। डी से 2 कंप्लीट कर लिया और 5वां रिलेटिव प्रोनाउन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मतलब परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें मेनली दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है वन अनदर और दूसरा होता है ईच अदर। दो ही वर्ड्स आते हैं मेनली इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में। ओके, और जब दो या दो से अधिक पर्संस एक साथ एक्ट करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी, और इन दोनों का हिंदी एक ही होता है, वो होता है एक दूसरा या एक दूसरे, इसका हिंदी होता है, राइट। तो जब दो लोग ए और बी अपने लिए एक दूसरे वर्ड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा ईच अदर, ओनली टू के लिए, और जब दो से अधिक होता है तो वहाँ पे वन अनदर। बार बार एग्जाम में पूछता है कॉमन एरर्स में, ऑल द बॉयज लव ईच अदर, यहाँ वन अनदर जब ईच अदर कर देगा, यहाँ पे ऑल है, संख्या आपको लग रहा है बहुत अधिक है तो यहाँ पे वन अनदर होगा। बोथ, यहाँ बोथ वर्ड है, दो समझ में आ रहा है, बोथ द वीमेन हेल्प ईच अदर, तो यहाँ दो के लिए ईच अदर होता है। सो यहाँ पे वन अनदर और ईच अदर ध्यान रखना है, और यह भी ध्यान रखना है कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करेंगे और वन अनदर का प्रयोग मोर देन टू के लिए करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो गया। और हमने कंप्लीट कितना किया, पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और दिस वन इज रेसिप्रोकल, 6 कर लिया है कंप्लीट। 7 नंबर पे जाते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है खुद ही, उस खुद ही मतलब उसके उस एक्शन को सही से प्रकट करने के लिए हम यूज करते हैं। और जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह वर्ब के बाद यूज होता है, प्रायः वर्ब के बाद, जैसे कि दे हर्ट देमसेल्व्स, यहाँ पे हर्ट जो वर्ड है, हर्ट वर्ब है, इसके बाद आया है देमसेल्व्स, तो देमसेल्व्स जो होगा यह होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आपकी जानकारी के लिए जिस वर्ड के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वो सभी नहीं हो क्योंकि अभी एक और प्रोनाउन आने वाला है, तो देख लीजिए। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा, जब वर्ब के अंत में होगा, तो सेल्फ या सेल्फ्स वाला जो भी वर्ड होगा वर्ब के अंत में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ब्लेम्ड के बाद हिमसेल्फ आया है तो यह भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे आप देख लीजिए सभी प्रोनाउंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया गया है, आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, देम का देम सेल्फ। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो प्लुरल है सबके अंत में सेल्फ्स लगा हुआ है। यू पर ध्यान रखिए, यू कभी कभी दो से अधिक के लिए भी होता है तो प्लुरल कहलाएगा, कभी सिंगल के लिए हो जाएगा तो भी सिंगुलर, तो सिंगुलर हो जाएगा वहाँ पे योर सेल्फ। मतलब बात करें क्रम में, अगर किसी से बात करते हैं यू बोलते हैं केवल उसके लिए बोल रहे हैं तो वहाँ पे योर सेल्फ बोलना पड़ेगा।
और अगर आप यू दो तीन लोगों के बोल रहे हैं तो आपको योर सेल्फ बोलना पड़ेगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है कि यू का प्रयोग कितने लोग ले कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। सो ये सब जितने आपको दिख रहा है सेल्फ या सेल्फ्स वाला, सभी का सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जगह कहाँ पे होता है, वर्ब के अंत में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसी के जैसा ये आ गया है इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, सेम है, सेम है, खाली उस प्रोनाउन का पोजीशन चेंज है। पहले क्या था जो हमने पढ़ा अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वह वर्ब के बाद था, अब क्या हुआ है सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करेगा, वो वर्ब को इम्फेसाइज कर सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करेगा ये, और इसलिए ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा। जैसे कि आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, इसके बाद ही आ गया है, तो यह हो गया इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता होता आई डिड माई सेल्फ, तो यहाँ पे डिड के बाद है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं कि यह हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, यह क्या है आई के बाद है, तो यह हो गया इम्फैटिक या इंटेंसिव, और इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। टिया हर्सेल्फ मेड द वेस, यहाँ पे टिया के बाद आ गया है हर्सेल्फ, तो यह भी हो गया इम्फैटिक या इंटेंसिव। तो इस तरह से जो आपने पीछे की स्लाइड में देखा सेम है, यहाँ पर जहाँ पर रिफ्लेक्सिव है वहाँ पे इम्फैटिक हो जाएगा, और सेम चीज़ हम यूज करेंगे, खाली हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे पोजिशन का। अगर इस तरह के प्रोनाउंस वर्ब के बाद होते हैं तो इनको कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव, अगर ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होते हैं तो इन्हें कहा जाएगा इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो इस तरह से हमने अभी दोनों कंप्लीट कर दिया, एक ही जैसा था, बस पोजीशन का अंतर था। सो नाउ इनडेफिनिट प्रोनाउंस, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मतलब जब हम जानते ही नहीं हैं, हम जान पहचान पता ही नहीं चलता है जो नाउन है उसके बारे में पता नहीं आता कि कौन है। जैसे क्या होता है एग्जाम्पल्स में ऑल शब्द बोल देते हैं, तो ऑल में कौन, नॉन में कौन, सम में कौन, आपने देखा ये नॉन पहले भी मिल चुका है डिस्ट्रीब्यूटिव में, तो यहाँ पे नॉन इनडेफिनिट में भी होगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे अनजान मत पता नहीं रहने के तरफ, या इसको कुछ भी कह दीजिए आप, इसको इनडेफिनिट कहिए या चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव कहिए, दोनों में चल जाएगा। सम हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, सम बड़ी हो गया, नो बड़ी हो गया, तो आप इन्हें कहेंगे, इससे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर प्राय इसका यूज होता है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट जगह भी हो सकता है, सो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें पार्टिकुलर पर्सन की या पार्टिकुलर थिंग के बारे में पता चलता नहीं है, तो इसलिए इसे कहते हैं कि यह अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। जैसे समबडी रेस्क्यूड हिम, किसी ने उसे बचाया, तो किसने बचाया नहीं पता है, जैसे समबडी यूज किया, नो बडी हेल्प हिम, किसी ने उसकी सहायता नहीं की, किसी का नाम नहीं लिखा है, पता नहीं है, या विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है, अनिश्चित है, इसलिए नो बडी यूज किया। तो यह समबडी, नो बडी और जितना ऊपर लिखा हुआ है ऑल, यह सब इनडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। और अभी तक आपने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, आर से रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इंटेंसिव अभी तुरंत मिला था, इंटेंसिव को इम्फैटिक भी बोलते हैं, और अभी हो गया इनडेफिनिट। अब लास्ट प्रोनाउन दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, आप जानते हैं जिनकी सहायता से प्रश्न पूछते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, मेनली ये फाइव हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, मेनली फाइव, नॉट ओनली, मेनली, मेनली ये फाइव हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, इनकी सहायता से क्वेश्चन पूछते हैं हम। ओके, हु इज योर फेवरेट सिंगर, यहाँ पे हु वर्ड है, यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हुज हो गया, होम हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गए। नोट की बात करते हैं तो हु हुज जो होता है और होम, ये पर्सन्स के लिए होता है, पर्सन्स, पर्सन्स के लिए प्रयोग होता है, हु हुज होम, हु यहाँ पे है,
हुज है और हुम है, तीनों लाइन से है। हुज अ फेवरेट सिंगर, पर्सन के लिए हुआ है। हुज आर दीज फाइल्स, हुम डू यू वॉन्ट टू सी, यहाँ पे पर्सन का नाम आएगा, लेकिन वहीं पे जो नेक्स्ट में है व्हाट एंड विच, व्हाट विच ये थिंग्स के लिए होता है। व्हाट हैज हैपेंड टू यू, क्या हुआ है। विच ऑफ देम इज एट फॉल्ट, तो यहाँ पे ये जो यूज हुआ है व्हाट का विच का, इनका आंसर थिंग्स के रूप में होगा। तो विच और व्हाट का थिंग्स के लिए और हु हुज हुम का पर्सन्स के लिए यूज करना चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरे 10 कंप्लीट कर गए हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, इनडेफिनिट और दिस वन इज इंट्रोगेटिव। पूरे 10 हो गए हैं। अब आपको कहा 10 को याद हो गया होगा, अभी 10 आपके सामने है। एक कोड बता देता हूँ जो हमेशा याद रहेगा। आप देखिए पी वाला कितना है 2, डी वाला कितना है 2, आर वाला है 3, और यहाँ पे कह देंगे आई वाला इंटेंसिव, इनडेफिनिट और इंट्रोगेटिव। ध्यान रखेंगे कि इंटेंसिव को इम्फेटिव भी कहते हैं 3। तो एक बोर्ड बनाएंगे ड्रीप, ड्रीप 2 3 3 2, ये आपको कोड याद रखना है। ड्रीप मतलब डी वाला कितना होगा 2, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। आर वाला 3, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव। आई वाला 3, इंटेंसिव, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट, दिस इंट्रोगेटिव। एंड पी वाला 2, पर्सनल एंड पजेसिव। तो इस तरह से आपने प्रोनाउंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, प्रोनाउंस का टाइप आपको याद हो गया और कोड भी आपको ध्यान रहेगा, हमेशा याद रहेगा। साथ में जो इसके अंदर की बातें पढ़ी आपको हेल्प करने वाली है कॉमन एरर्स में और इंग्लिश के में बहुत तरह से। थैंक यू वेरी मच।